सारे दर्शकों का करते हैं इस विशेष प्रोग्राम दे विच हार्दिक निघा स्वागत। इस प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे एक विशेष विषय ते इस विषय जो कि असीं खास तौर पर सिखां ते पंजाबियां नूं दुनिया के वख-वख हिस्सों विच दरपेश मुश्किलों के बारे गलबात करांगे। तो दो शख्सियतों नूं असीं प्रोग्राम दे विच बुलाया है। एक तो हन नवीं दिल्ली तो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी प्रोग्राम दे विच शामिल। असीं सब तो पहला डॉक्टर साहब का प्रोग्राम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी एस एस टी वी स्टूडियोज़ के इनवाइट करन दा, और पूरी उम्मीद है कि जिहड़े मुद्दे अज तुसी उठाओगे उन्होंने असीं ठोस बहस करांगे। बिल्कुल जी, बहुत मेहरबानी कि तुसी प्रोग्राम दे विच आए हो कनेडा फेरी के दौरान। इस तरह ही अमरीका तो कनेडा फेरी दौरान गुरिंदर सिंह यूएसए साढ़े को प्रोग्राम दे विच हाजिर हैं, इन्हों का भी करते हैं प्रोग्राम च निघा स्वागत। थैंक यू सतपाल जी, बड़ी थैंक यू थोड़ा, बहुत बहुत बड़ी खुशी है कि तुम सानू फिर दोबारा इतने माण बख्शिया है थोड़े सुरसागर टीवी स्टेशन च आने का। बहुत मेहरबानी कि तुम प्रोग्राम दे विच आए हो। सो सिखां दियां पंजाबियां दियां कुछ समस्यावां इहो जिहियां हन जिहड़ियां कि भावें कि गुरुआं दी वरसोई हुई धरती तो निकल के सिख ते पंजाबी इस ग्लोब ते इस धरती ते हर कोने दे विच ही चले गए हन, लेकिन कि कुछ एक अजिहियां पेचीदगियां कुछ एक अजिहियां दुशवारियां जिहड़ियां कि असीं देख रहे हां कि भावें पंजाब दे विच सिखां नूं पंजाबियां नूं दरपेश होण, भावें दिल्ली दे विच भारत दे किसे होर शहर दे विच, इस तरीके दे नाल गल असीं कनेडा दी करिए जां अमरीका दी गल करिए। सो प्रोग्रामां दे विच असीं अक्सर गल्लां बातां करदे रहिंदे हां कि सिखां नूं अपनी निवेकली पछाण दीआं दुशवारियां दुनिया भर दे विच पेश आ रहियां हन, इस तरीके दे नाल पंजाबियां नूं पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत दे नाल जुड़ियां होईयां वख-वख अपनियां जो समस्यावां हन उन्हां नूं हल करन दे लई लगातार जूझणा पैंदा रहिंदा है। लेकिन कि यह भी सुरखियां ही रहिंदियां ने कि साडे भारत देश की राजधानी नवीं दिल्ली दे विच सिखां दीआं पंजाबीआं दीआं काफ़ी सारियां समस्यावां ने, भावें कि प्रिंसीपल साहब दिल्ली तो आए हन। सो सिखां ते पंजाबीआं दी जीवन जाच तो उत्थे काफ़ी भली भांत ये वाकफ हैं। सो जानना चाहते हैं इन्हां दे कोलों कि दिल्ली दे विच खास तौर पर सिखां दीआं पंजाबीआं दीआं किहड़ियां किहड़ियां मुश्किलां ने, किहड़े किहड़े खास मुद्दे? जल साहब, दिल्ली एक देश की साढ़े की राजधानी है, और 1947 तो बाद जो मुड़ वसेबा सिखां दा दिल्ली दे विच होया उहदे नाल बहुत सारे पंजाबी भी आए, तो उस टाइम साड़ी जिहड़ी उस समय जिहड़ी साड़ी सब तो वड्डी समस्या सी उह सी कि लोगों नूं दोबारा तो एसटैबलिश किदां कीता जाए, उन्हां नूं रीहैबिलिटेट किदां कीता जाए। और उहदे नाल नाल जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सी उहने सिखां दे मुद्दिआं नूं चुकिया, खास करके एजुकेशन और व्यापार की गल सी। अज जी असी अगर इन्ने समय तो बाद गल करिए तो मैं लगता है कि सिखां नूं अजे भी दिल्ली दे विच तीन किस्म दीआं प्रॉब्लम्स अगर असी उन्हूं वंड के देखिए तो हो रही ने। एक तो रोज़गार प्राप्त करन दी, जिहड़े बहुत सारे सिख दिल्ली तो बाहर आ के दिल्ली दे विच रोज़गार ढूंढण की कोशिश करते हैं। दूसरा यह है कि जो साडा व्यापारी वर्ग है बड़ा इफेक्टिव वर्ग है, और इन्हों का बहुत वड्डे सरमाएदार भी ने, और जो पोलिटिकल अस्टैबलिशमेंट है साढ़े जो राजनीति है उहदे विच भी दिल्ली के सिखां का एक बहुत वड्डा योगदान है। और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद इस टाइम प्रधानमंत्री ने देश के, और दिल्ली गवर्नमेंट के भी सरदार रविंदर सिंह लवली साढ़े एजुकेशन मिनिस्टर ने, और दिल्ली के तकरीबन 70% जी साड़ी पापूलेशन है जनसंख्या है वह पंजाबी पापूलेशन है। अच्छा। तो पंजाबियों का एक बहुत वड्डा दिल्ली के एक रोल है जड़ा वो दिल्ली की कंस्ट्रक्शन के प्ले करते हैं, दिल्ली की डिवेलपमेंट के विकास के प्ले कर रहे हैं। और तीसरी गल है कि खास करके जिहड़े सिख पंजाबी ने उन्हां दा असी एजुकेशन लैवल उन्हां दा सिख्या दा म्यार किस तरीके नाल उच्चा चुकना है, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इहदे मुताबिक बहुत कदम भी चुके ने। हुणे इन्हां ने कोई 8-10 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिया है, 3-4 साढ़े पॉलीटेक्निक्स ने, 4 मेन कॉलेज जिहड़े ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गुरु नानक खालसा कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, ये यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिहड़ी कि एशिया की बेस्ट यूनीवर्सिटी है उहदे नाल एफिलिएटेड ने। और लगातार कोशिश ये है कि जो संगत का सरमाया है, जो संगत की पूंजी है, वो गुरुद्वारों के सुधार और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सुधार वास्ते लगाई जाए। अच्छा, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तुसीं हवाला दिता है, उन्होंने देखरेख हेठ ही जो है ये श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो दिल्ली यूनीवर्सिटी दे नाल एफिलिएटेड है ये चल रहा है। सो कितनी क सफल हुई है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दे पंजाबियों के मसले दिल्ली च हल करन?
जिथे तक तो पोलीटिकल मसले राजनीतिक मसले ने उहदे विच ते किसे भी अगर आप जगह पर देखिए तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होंदी है, दो ग्रुप भी आटोमैटिकली बन जाते हैं, पर मैनूं लगता है कि जिहड़े साडे सिख लीडर्स ने वह काफ़ी वधिया भूमिका, चाहे वह किसी भी ग्रुप के ने, बहुत वधिया भूमिका निभा रहे हैं और गुरुद्वारा कमेटी लगातार सिखां दी कोई भी समस्या है उन्हूं जूझण दे विच, उन्हूं सुलझाण दे विच काफ़ी इफेक्टिव काफ़ी कारगर साबित होंदी है। चाहे वह मसला कई बार साढ़े रिलीजन का है या वह पंजाबीयत का है या पंजाबी लिटरेचर की गल है, इन सारे मसलों नूं जिहड़े साढ़े एजुकेशन के मसले ने लिटरेचर लैंग्वेज के, वो असी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाल मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करने हैं या दिल्ली गवर्नमेंट के नाल मिलकर सॉल्व करने हैं। जिहड़े राजनीतिक मसले ने वो पोलीटिकल पार्टीज ने उन्होंने उन्होंने चुकया होया और सारी हर पार्टी का एक प्रोग्राम है कि सिखां दी जिहड़ी हालत है, जो उनका रोल है दिल्ली के व्यापार के विच, दिल्ली की लाइफ के विच और दिल्ली की पॉलिटिक्स के विच, वो एक वधिया तरीके दे नाल निभाया जाए। इन्हे साडे कोल प्रिंसीपल डॉक्टर जसविंदर सिंह श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली तो प्रिंसीपल अज के प्रोग्राम के शामिल हैं। अच्छा जी, ये पंजाबियों दी समस्यावां सिखां दी समस्यावां समझियां जांदियां ने कि जां पंजाबियों ते सिखां दी समस्यावां च फर्क है? वैसे तो ज़्यादातर जो जिहड़ी पंजाबी साडी जनसंख्या है, पंजाबी लोग ने, वो सारे गुरुद्वारों के आते हैं और जिहड़े साडे अदारे भी ने गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से जिहड़े चल रहे हैं या गुरु हरकृष्ण साहब के नाम से जिहड़े अदारे चल रहे हैं, उहदे विच हर कौम का स्वागत है। अज भी अगर खालसा कॉलेज की खाली गल करिए तो तकरीबन 17 देशों तो बच्चे वो पढ़ रहे हैं। अच्छा। और हिंदुस्तान के हर प्रांत के बच्चे वो पढ़ रहे हैं और जो गुरु साहब का एक उद्देश भी है कि ये जो गुरु घर है ये सारे वास्ते खुला है। ठीक है। तो वो उपदेश पूरा करने वास्ते असी सारे कोशिश कर रहे हैं और एक गल जरूर है कि जोड़े साढ़े सिख जो लोअर इनकम ग्रुप के सिख ने उन्होंने वास्ते गुरुद्वारा कमेटी ने माइनोरिटी इंस्टीट्यूशनस के स्टेटस वास्ते भी बहुत कोशिश की है और नैशनल कमीशन ने साढ़े कॉलेजेस में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने उन्होंने माइनोरिटी का स्टेटस भी दिता है और ये आने के नाल होर भी सिख बच्चों ज़्यादा एजुकेशन मिल पाए। सो अमरीका कनेडा तो किन्ने बच्चे का? अमरीका कैनेडा के बच्चे जो जाते हैं वो ज़्यादातर साढ़े जो प्रोफेसनल कोर्सिज ने उन्होंने आते हैं। मैं अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की गल करना गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या साढ़े पंजाब के जोड़े अदारे ने जोड़े माइनोरिटी इंस्टीट्यूशनस ने, गुरु रामदास कॉलेज है, गुरु रामदास कॉलेज फॉर डेंटल साइंसिज, गुरु रामदास कॉलेज फॉर मेडिकल साइंसिज अमृतसर जो श्रोमणी कमेटी चला रही है, उन्होंने एन आर आईज सीटा भी निर्धारित ने और बहुत सारे बच्चे उन्होंने फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है जी, तो असी चलते हैं गुरिंदर सिंह जी वाल जो कि अमरीका विखे रह रहे हैं तो खास तौर पर साढ़े दर्शक जानते ने इन्हां दी शख्सियत तो वाकफ भी हैं। जदों के अमरीका के हवाई अड्डिया दस्तार का मुद्दा काफ़ी जोर शोर के नाल उभरिया सीगा कि दस्तार लुहा के सिखां दी तलाशी लई जाण लगी सी, उदों फिर इस मुद्दे के सिलसिले दे विच जदों बफलो के हवाई अड्डे ते इन्हां नूं उन्हां हालातों का सामना करना पिया ते फिर काफ़ी संघर्ष तो बाद इन्होंने कुछ एक अजिहे सुधार करवाए कि हवाई अड्डिया ते पहलां दे मुकाबले हुण जो हालात हन काफ़ी बदले हुए हैं। सो खास तौर पर अमरीका दे विच इह सिखां दे पंजाबियां दे तुसीं किहड़े किहड़े मुद्दे देखदे हो जी? मुद्दे देखो सिखां दे जिहड़ा कि जिहड़ी ककारां दी गल है, सिख ककारां दी तां देखो इहदी अलग वक्खरी पहचान है, खास करके दे विच जिहड़ा टर्बन दा मुद्दा है, दस्तार दस्तार हर मुल्क हर कौम दे अखां च तां रड़कदी है सिखां दी, तो इस करके सिख भाईचारे दे विच हर टाइम एक क्वेश्चन होंदा है कि आउट ऑफ कंट्री किते भी जदों जांदे हन उन्हां नूं अपनी दस्तार बारे अपनी आइडेंटिटी बारे लोकां नूं समझाउणा पैंदा है, क्योंकि बहुत क्योंकि सिख कौम बारे लोग इन्नी जाणू ना होण करके अपनी सानूं अपनी पहचान बनानी पैंदी है। खास करके जिहड़ा USA दा है उहदे विच ककारां करके जिहड़ियां मुश्किलां आउंदियां हन, पहले तां हुण जिवें एयरपोर्ट ते आउंदे सी जिवें तुहानूं पता ही उस चीज़ नूं आपां
यूएस कांग्रेस के ले जाके रेजुलेशन पास करवा के टी एस ए की पॉलिसी चेंज करवाई हूँ जोड़ा है वो करके कित भी एयरपोर्ट के उत्ते सिख बड़े माण नाल उत्थे अपनी इंक्वायरी अपनी जी सिक्योरिटी चैक पास करता है विदाउट एनी हैजीटेशन उत्थे जी पग अपनी दस्तार की मान मर्यादा रखते हुए सिक्योरिटी तो लंघता है बड़ी खुशी की गल है कि वो सारिया ही जथे सिख जथेबंदियों ने बड़ा सहयोग दिता और सिखा का पूरा हंगारा उच भरिया हूँ जी प्रॉब्लम है अजक के सिख केस बाय केस सिखा नूं फौज दे विच कमिशन ऑफिसर लैवल दे उत्ते तां इजाजत मिलती जा रही है पर आम ऑर्डनरी जिहड़ी फौज है या जिहड़ी मिलटरी पैरामिलटरी फोर्सिस ने उहदे विच हजे तक फौरी तौर दे उत्ते जिहड़ी पग दा है मसला उह अजे उन्होंने लागू नहीं किया। अच्छा आम तौर पर सिख इतिहास अजिहा जी कि एक जुझारू कौम समझी जाती है संघर्ष दे विचों ही सिखी का जन्म होया लेकिन कि एक अजिहा संघर्ष तो आम तौर पर देखा जाता कि संघर्ष किसी ना किसी रूप के अंदरूनी तो बाहरी तौर पर सिख कौम के अज भी देखने को मिलता है। अक्सर यह गल कही जाती है कि जे सिखा दे विच आपसी फुट ना होवे एकता होवे तो वड्डी शक्ति वजो उभर सकते हैं संसार दे विच अमरीका वर्गे देश दे विच भी आ के सिखा की अंदरूनी फुट कि झलकती है जी। सिखा की अंदरूनी फुट का कारण उदों ही हैगा जदों आपसी भाईचारा ना होण करके आपसी तालमेल ना होण करके क्योंकि जिथे अगर आप जे आप कनेडा अमेरिका दे विच देखिए तो अमेरिका दे विच जिहड़े मेन स्ट्रीम अमेरिकन सन उस सिखां नूं समझ नहीं सक रहे क्योंकि जिहड़े फर्स्ट जनरेशन सिख आए हैं उन्हां नूं तां अपने रुजगारां तों ही टाइम नहीं मिलता और दूजा करके जिहड़े सैकेंड जनरेशन हैं जिहड़ा उन्हां दे अगों बच्चे जिहड़े सिख हैं उन्हां दा इन्ना रुझान नहीं ना होण करके पोलिटिक्स दे विच सारी जिहड़ी कौम है एक प्लेटफॉर्म थले इकट्ठी नहीं हो सक रही। दूजा यह है कि सिख हजे भी अपने पिछों अपने कोई कहिंदा जी मैं माझे दा हाँ कोई कहिंदा मैं मालवे दा हाँ कोई कहिंदा मैं हरियाणे दा हाँ कोई कहिंदा मैं पंजाब दा तो सिखां ने हजे भी अपने आप नूं अलग अलग एक मंत्रां विच वंडिया होया अलग अलग अपनी पहचान बनाई हुई है जबकि गुरु गोबिंद सिंह ने तो यही नारा दिता सी भी जिहड़ी सिख कौम दे विच कोई भी जात पात भी ना होए और कोई भी जिहड़ी किस एरिया एरिया का भी ना हो भी माझे का या मालवे का पर हुण स्लोली बट श्योरली जिहड़ा है सिख कौम इस चीज़ नू हुण इहदी लोड़ समझ रही है कि जिन्ना चिर तक साडा पोलिटिकल विच पोलिटिक्स दे विच असीं जिन्ना चिर रही सरगर्म नहीं हुंदे उन्ना चिर तक साडी पहचान बनानी बड़ी औखी है। अच्छा ये राजनीति तुसीं गल कीती है अमरीका दे विच कनेडा दे मुकाबले गिणती च कितें ज़्यादा सिख ने पर जे राजनीतिक खेत्र दीआं प्राप्तियां देखियां जाण ते अमरीका दे मुकाबले कनेडा दे सिखां ने माणमतियां प्राप्तियां कीतियां हन अमरीकी सिख पिछे क्यों ने? अमरीकी सिख पिछे आने के दो कारण हैं एक तो कनेडा की जी आबादी बहुत घट होने करके वो थोड़ी गिनती विच भी ज़्यादा हैं। दूजी गल है कि अमेरिका दे विच जिहड़ी जिहड़े सिख हैं एक जगह कॉन्सनट्रेट ना होने करके अलग अलग थावां उत्ते जिहड़े हैं क्योंकि सिख किते पापूलेशन किते भी एक जगह पर मेजोरिटी नहीं हैगी किते भी वो अलग अलग थावां ते होने करके आप उन्हां दा जिहड़ा जिहड़ी पोलिटिकल सैटअप है वो नहीं बन सकिया हुण तक पर हुण जिहड़ा है कि जिहड़ी सिख जिथे जिहड़े सिख हन वह इस चीज़ की लोड़ समझते हुए न्यूयॉर्क दे विच काफ़ी थावां दे उत्ते सिख अगे आ रहे हैं राजनीति विच एंड कैलिफोर्निया दे विच काफ़ी इहदे विच सरगर्मी दे विच हिस्सा लै रहे हैं। ठीक है जी सो काफ़ी सारिया सरगर्मियां नज़र आउंदियां ने पर फिर भी संघर्ष अंदरूनी तौर पर खास तौर पर फुट ये भारत तो भी नवी दिल्ली तो भी खबर अजय आउंदियां रहिंदियां जी राजनीतिक तौर पर खास तौर पर सिखां दे विच वंडियां सो वख-वख तरह के अकाली दल ते वख-वख तरह की धड़ेबंदी इस तरीके दे नाल तुसीं दिल्ली दे विच खास तौर पर सिखां दी आपसी फुट नूं किस तरीके नाल लैंदे? दिल्ली दे विच फुट तो है उस तरीके की अगर उन्होंने पोलिटिकल आप फुट गल करिए कई बार ये थोड़ी जी साड़े सिखों वास्ते जड़ी वो खतरनाक भी साबित होंदी है पर ज़्यादातर अगर अस देखिए तो ये एक कंस्ट्रक्टिव फाइट है चाहे वह श्रोमणी अकाली दल है या श्रोमणी अकाली दल दिल्ली है दोनों ही पार्टियां सिखां दी रिप्रेजेंटेशन वास्ते सिखां दी जिहड़ी समस्यावां ने उन्हां नूं प्रमोट करन वास्ते फाइट करदियां ने और किसी ना किसी तरीके दे नाल
हाँ कई बार ये जरूर है कि साढ़े अदारे जड़े ने वो सफ़र करते हैं। ठीक है, साड़ी कोशिश ये रहनी चाहिए है कि असी इस पोलिटिकल फाइट नू पॉलिटिक्स दे विच जरूर है कि डेमोक्रेसी दे विच ते इलेक्शन होंगी है, उस इलेक्शन प्रोसेस तो बाद असी सारे इकट्ठे होइए और इकट्ठे होकर जॉइंट लैवल से अगर पंजाब और दिल्ली या दिल्ली तो पंजाब तो बाहर के जड़े सिख ने, मैं तो कहूँगा कि कैनेडा अमरीका या जर्मन के भी जड़े सिख ने वो कंबाइंडली अगर अपने मुद्दे असं चुकने हैं तो ज़्यादा वधिया ढंग के नाल ज़्यादा कारगर तरीके दे नाल असी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह उन्हें सरदार गुरिंदर सिंह होरां ने बहुत ही अहम मुद्दों के उत्ते बहस छेड़ी है और इन देशों के भी अगर पंजाब दे विच अगर पोलिटिकल फाइट चलती है या कोई होंगे तो वह रिफ्लैक्शन इतने जरूर आता है। मेरा ख्याल है कि तुम इधर संकेत कर रहे थी और इलैक्शन तो बाद मेरा ख्याल सानू सारयां नू एकजुट हो के 5 साल इकट्ठे काम करना चाहिए और उस तो बाद फिर अपना एजेंडा लैके लोगों के कोल जाना चाहिए, लोग उस लोकतंत्र तरीके दे नाल सानू इलैक्ट करन ते असी अगे फिर काम करिए। ठीक है जी, एकता दे विच ही बरकत होया करती है। सो सिखां दीआं पंजाबीआं दीआं जां किसी भी कौम दीआं समझा जा सकता है कि समस्यावां हुंदीआं ही अक्सर इस करके ने कि वह वंडे हुए ने धड़ेबंदियां दे विच ते जदों जदों एकता करते जाते हैं उदों उदों ही उन्हां दीआं समस्यावां भी फिर घटदीआं देखीआं जांदीआं ने। असीं प्रिंसीपल जसविंदर सिंह जी होना दे नाल जो कि दिल्ली तो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल हैं उन्होंने नाल ते गुरिंदर सिंह जी यूएसए दे नाल असीं गलबात कर रहे हाँ सिखां ते पंजाबियों दीआं मुश्किलां दे बारे च। ते आम तौर पर भारत दे विच सानू देखण सुनण नू इह ज़्यादा मिलता है कि विद्यक अदारियां दे विच घट गिणतियां दा होया करदा राखवांकरण, सो घट गिणती भाईचारियां दे बच्चियां नू कुछ एक कोटे अजिहे निर्धारित किए गए हैं कि वह सिक्ख्या दे वख-वख अदारियां दे विच दाखला प्राप्त कर सकन, लेकिन कि दिल्ली दे विच खास तौर पर दिल्ली यूनीवर्सिटी के कॉलेजेस दे विच सिखां दे बच्चियां नू अजिहा राखवांकरण दिवाउण दे लई काफ़ी संघर्ष करना पिया। सो इस दे बारे जानकारी लैंदे हां प्रिंसीपल जसविंदर सिंह जी दे कोलों, सो किवें इह राखवांकरण संभव होया जी? वैसे तो यह शुरू तो फाइट रही है जदों कॉलेज 1951 दे विच एस्टैबलिश किया गया सी वह सिख कौम और पंजाबियों वास्ते किया गया सी और हुण उहदे नाल की होया है कि कुछ एक जिहड़ा गैप आ रहा है वो ये कि जिहड़े गरीब सिख हैं बहुत गरीब हैं, जिहड़े अमीर सिख हैं बहुत अमीर हैं। उस गैप नूं पूरा करन दा अज दे युग दे विच एक ही तरीका है कि उन्हां बच्चों का असी स्किल लैवल उन्हां दी योग्यता उन्हां दी विद्या दे विच असी किसी ना किसी तरीके नाल वाधा करिए। ते इस काम दे विच साढ़े जिहड़े कंट्रोलिंग साढ़े जिहड़े मैकानिजम्स ने खास करके दिल्ली सिख उधर अमेंडमेंट कमेटी या श्रोमणी कमेटी पंजाब की गल करने हैं तो उन्हां दा एक रोल एक बहुत इफेक्टिव रोल रहा है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मुद्दे नूं कोई 10 साल पहले इस नूं उठाया सी और नैशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिहड़ी कि साडी घट गिनती सिक्ख्यक संस्थावां दी नैशनल राष्ट्रीय आयोग है उन्हें इस मुद्दे सामने साड़ी पटीशन गई सी और पिछले साल ही सितंबर दे विच उहदा फैसला भी आया और उस फैसले दे तहत 4 जिहड़े दिल्ली दे मेन कॉलेज ने खालसा कॉलेज की अगर गल करिए तो 3 बेस्ट कॉलेजेस दिल्ली यूनीवर्सिटी के जिहड़े ने उहदे विच दी गिनती की जाती है और उस कमीशन के फैसले के तहत जिहड़े साडे दिल्ली यूनीवर्सिटी के कॉलेजेस ने उन्हां नूं माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया पर जो एस्टैबलिश किए गए सन उस टाइम सानू कुछ इसकी जरूरत नहीं सी। आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वो दोनों ये सानू राइट दिंदियां ने कि असी इस अपने राइट नू कदी भी असी एग्जर्ट कर सकते हैं कदी भी लै सकते हैं हक अपने नू और गुरुद्वारा कमेटी ने उस चीज़ नू उठाया और असी जो प्रिंसीपल्स हैं 4 इंस्टीट्यूशन के उस उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी का पूरे तरीके दे नाल डट के साथ दिता जिहदे नाल ओह सानू स्टेटस मिलिया है पर दिल्ली यूनीवर्सिटी ने इस नू अजे हाई कोर्ट दे विच इस स्टेटस नू चैलेंज किया है तो वह मैटर अजे सब जुडिस है। मैं उत्ते बहुत ज़्यादा ना कहिंदा होए सिर्फ इन्नी गुजारिश करना कि जो भी हाई कोर्ट जां सुप्रीम कोर्ट दा अल्टीमेटली फैसला होएगा असी उहनूं मन्नांगे पर मैनूं पूरा यकीन है कि जिहड़ियां साडे माइनोरिटी राइट्स ने उहनां नूं प्रोटेक्ट। अच्छा, तुसीं गल कर रहे सी कि अमरीका कनेडा तो भी बच्चे नवी दिल्ली च तुहाडे अदारियां दे विच पढ़न दे लई जांदे हन, सो NRIs बच्चियां लई खास तौर ते कोई राखवांकरण है तुहाडे? असी जिहड़ा साडे कोल दिल्ली यूनीवर्सिटी दे विच दिल्ली यूनीवर्सिटी अगर कल नूं सानूं ये इस चीज़ की आग्ञा दिंदी है कि तुसीं सिख बच्चे एडमिट करो तो
50% जिहड़ियां सीटां होणगियां सिख बच्चों वास्ते होणगियां, उहदे विच अजे कोई इस किस्म का कोटा नहीं है। कोई भी सिख बच्चा वो देश दे जां संसार दे किसी भी हिस्से दे विच होएगा, खाली उन्हूं दिल्ली कमेटी के दफ्तर दे विच जाके प्रेजिडेंट जां सैक्रेटरी दे कोलों एक सर्टिफिकेट लेना होएगा कि मैं सिख कौम नूं सिख रहत मर्यादा के मुताबिक मैं अपना जीवन बतीत कर रहा, और वो उन्होंने एक मिनोरिटी सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा। जिस दे आधार पर उन्होंने बिल्कुल मैरिट के उपर एडमिशन दिता जाए। तुसीं गल कर रहे थे कि दिल्ली दे विच रोज़गार की बड़ी समस्या है, सिखां नूं पंजाबियों नूं बेरोज़गारी का सामना करना पिया, लेकिन कि एक वड्डा खला समझा जाता है कि उत्थों की जो सिक्ख्या नीति है, जो सिक्ख्या तंत्र है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन ना होण करके बच्चे जो हैं तकनीकी तौर पर महारत प्राप्त नहीं कर पाते हैं स्कूलों कॉलेजों के। की तुसीं समझते हो कि यह तकनीकी तौर पर टैक्निकल एजुकेशन की अज के युग कि अहमियत है? बहुत सही तुसीं मुद्दे नूं चुक्या है। और अज देखो अगर असीं अपने पूरे देश की गल करने हैं, पूरे भारत की गल करने हैं, तो साढ़े विच जिहड़ी सब तो ज़्यादा साडा जिहड़ा जिहनूं असीं पापूलेशन डिविडेंट भी कहने हैं, वह है कि किसी भी देश के मुकाबले साढ़े कोल यंग पापूलेशन की परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है। सिखां दा एक ये इतिहास रहा है कि वह बहुत जुझारू ने, वह किसी भी जगह पर जिहड़ा भी काम शुरू करते हैं बहुत जोश शोश नाल करते हैं और पूरे होश आवास नाल करते हैं। मैनू लगता है कि पंजाब और दिल्ली या दिल्ली तो बाहर बाकी जड़े इलाके ने पंजाब तो बाहर, अगर उन्होंने असी सिखा दे टैक्नीकल एजुकेशन जी तुम गल की अगर असी प्रसार कर पाईए तो सिखा की एक बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन नैशनल नेशन हो सकती है, नेशन बिल्डिंग हो सकती है। अज अगर असी गल करने तो आर्मी साढ़े भारत ने आज़ादी तो बाद 3 फाइट्स पाकिस्तान के नाल कीतियां, एक चाइना दे विच भी हो जी, उहदे विच सिखां दा एक बहुत वड्डा योगदान रहा है। सिख आर्मी दे विच सिख आर्मी ऑफिसर्स आर्मी दे जवान सिखां दे बहुत ज़्यादा रहे। ट्रांसपोर्ट जिहड़ा कि एक देश नूं बन्ह के रखता है, अज अगर पूरा देश एकत्रित है वो इहदा कारण यह है, या रेलवे नैटवर्क या रोड नैटवर्क। अच्छा। उहदे विच सिखां दा ट्रांसपोर्ट दे विच बहुत वड्डा योगदान रहा है। इस तरीके नाल साडा जिहड़ा व्यापारी वर्ग है उहदा बहुत योगदान रहा है। पंजाब नूं असीं अपने पूरे भारत देश की ग्रहणी कहने हैं क्योंकि अनाज उतों उत्पन्न होता है, सो ग्रेनरी जी है पूरी की पूरी वो पंजाब सपोर्ट करता रहा है। पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन का हरित क्रांति का समा देखिया और इस चीज़ के लीड ली। ठीक। और अगर असी जिदे तुसीं गल कीती है टैक्निकल एजुकेशन की, अगर ये अपने बच्चों तक पहुँचा पावे तो मैनू लगता कि साडी पार्टिसिपेशन साडा जिहड़ा वक्फा है बाहर दे सिखां दे नाल और पंजाब दे सिखां दे नाल, दिल्ली और बाकी दे सिखां दे नाल, वो भी घटेगा, कोऑर्डिनेशन भी वधेगी और आपस दे विच अंडरस्टैंडिंग भी बहुत। ठीक है जी। सो असी जे गल करिए भावें कि तुसीं ट्रांसपोर्टेशन खिते की गल की है, इस दे नाल ही सुरक्षा फौजां दे विच सिखां दे पंजाबियों के योगदान की गल की है, केंद्रीय अनाज भंडार नूं भरन की गल की है, ये सारा कुछ पंजाबी जां सिख कर सके सन तां जे उन्हां दी सेहत ठीक सी। सो अज दा नौजवान जे असीं देखिए पंजाब दे विच जाके दिल्ली दे विच जाके भारत दे किसे होर कोने दे विच जाके कि अजिहे नशियां दे विच ग्रस्त हन कि उन्हां दी सेहत ही नहीं ठीक है, तो आने वाला भविख फिर तुसीं की समझदे हो कि पंजाबी उस तरीके दे नाल योगदान पाउणा जारी रख सकदे? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तुसीं मुद्दा उठाया है नशियां दा। ये गल ठीक है कि नशियां दा प्रयोग साडी जिहड़ी यंग पापूलेशन आ उहदे विच वधदा जा रहा है और ये शायद विकास दा ही एक पहलू है। अगर तुसी 20 साल पहले पंजाब नूं देखते हो जदों असी अजे स्कूल दे विच पढ़दे सी या कॉलेज दे विच पढ़दे सी या 25 साल पहले दी गल करिए ते उदों नशे दा नां तक नहीं सी कोई सुनदा। इह जरूर सी कि कणक उदर दे समय कोई किसे ने बजुर्ग ने कोई छोटी मोटी ओपीएम दी गोली लै ली, पर ओह कदी बच्चां दी पहुँच तो कदी भी ओह नहीं सी हुंदी इन्हां चीज़ां दे मुताबिक। पर हुण ये जिहड़ा एक नशियां दा जिहड़ा समगलिंग जिहड़ी बाहरों हो रही है इहनूं रोकण दी जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि बच्चों के कोल रोज़गार ना होण करके नशा नशियां दी वरतों जिहड़ी वधी है। और खास करके जिहड़ा दूसरा मुद्दा इहदे नाल एसोसीएटिड है पतित पुन्न दा है कि असी गुरुआं दे जिहड़े संदेश है साडा गुरु गोबिंद सिंह दा कि सिखी दा स्वरूप जिहड़ा वह थोड़ा जिहा उहनूं सैटबैक पहुँचा है, वह दोबारा तो उजागर हुंदा जा रहा है। और अगर असी नशियां नूं घट करने आ तो उहदा इक्को ही तरीका है जिहड़ी तुसीं पहले गल चुकी सी कि बच्चियां दे विच असी रोज़गार तकनीकी सिख्या दे थ्रू वधाईए तां कि उहनां नूं इक उहनां दा उज्जवल भविष्य नज़र आए। ठीक है। तो उस भविख नूं देखदे हुए वो इन्हां चीज़ां तों मुक्त। बिल्कुल जी। सो असी जे गल करिए अमरीका दे विच वसे हुए पंजाबियों की
सिखां दी ते प्राप्तियां खास तौर पर खेतीबाड़ी के खेत्र दे विच वड्डियां हन। आवाजाई ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले दे विच काफ़ी वड्डियां पंजाबियां ने मल्लां मारियां ने, लेकिन कि सेहत के खेत्र जे विच देखा जाए भावें कि काफ़ी वड्डी गिणती दे विच अमरीका भर दे विच पंजाबी डॉक्टर्स हन, पर कोई वड्डा सेहत सहूलतां प्रदान करन वाला अदारा कोई सिखां दा पंजाबियां दा अजे तक अपना नहीं हो सकिया, की कारण समझदे हो? इहदा कारण यह है कि पहली गल तो जिहड़ी सिखां दी जिहड़े ज़्यादातर जिहड़े सिख अमेरिका विच आए हन एटीज़ एंड नाइनटीज़ दे विच, और उदो पहला जिन्ने भी डॉक्टर आए हैं वो इंडिविजुअल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स सिखां दे जिहड़े अमेरिका दे विच एस्टैबलिश होए। हुण की है कि सिखां दी आबादी वधन करके कोई भी सिख हॉस्पिटल नहीं है, इहदी बहुत ही लोड़ महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ जिहड़े सिख हन बड़े नॉर्मल घरां चों आए हन और उन्हां कोल जिहड़ी इन्नी समर्था नहीं हैगी कि वह अपना जिहड़ी हैल्थ इंश्योरेंस खरीद सकन। कैनेडा दे विच तां हैल्थ इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट इन US जिहड़ी हैल्थ सेवावां हन वह अपने आप खुद ही इंश्योरेंस खरीदनी पैंदी है। अज अमरीका दे विच 100 साल तो भी वध पंजाबियों नूं रहिंदिआं होइआं हो गए हैं, पर हजे तक एक भी सिख हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, बाद जिहड़ी इस टाइम जे असीं हिसाब लाइए तो जिहड़ी ज्यूश कम्यूनिटी है उहदे 500 तो भी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, सिख जिहड़े उन्हां दे ज्यूश हॉस्पिटल हैं, और जिहड़ा भी समर्था नहीं हैगी जिहदी पेमेंट करन दी अपने बिल्स दी, उहनां कोलों कोई भी उहनां कोलों बिल दी उहनां कोलों प्राप्ति नहीं करदे हो। अपना मैं यह चाहना हाँ कि परमात्मा सिख कौम नूं अमरीका दे विच इन्नी बख्शिश करे कि आपां सिख हॉस्पिटल उत्थे इस्टैबलिश करिए जिहदे विच हर पंजाबी उहदे विच योगदान पाए, और कोई भी जिहदी समर्था है भावें कोई $1 पाए भावें कोई $1,00,000 पाए भावें कोई $1,000,000 पाए, पर जिस बंदे दी समर्था नहीं है बिल देण दी उहदे कोलों कदी भी बिल ना मंगिया जाए। उत्थे इक दान पात्र सिस्टम होए। दूजी जिहड़ी सब तों वड्डी लोड़ है इस टाइम साडे कोल सिखां दी है कि सिखां दा कोई भी इंस्टीट्यूट जिहड़ा है उह नहीं है। इस टाइम सिखां दा कोई भी अपना कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। ये दो चीज़ां दी बहुत वड्डी लोड़ है, और इहदी बड़ी कोऑर्डिनेशन करके सिख जथेबंदियां सारियां और खास करके जिहड़ी आम सिख पापूलेशन है अमेरिका दे विच इहदी लोड़ नूं समझदी होई उह इहदे अगे आउण दी कोशिश कर रही है। अमरीकी सिख नौजवान नशियां 'च ग्रस्त नहीं हो रहे? अमरीकी सिख नौजवान नशियां च इन्ने नहीं हैगे एज कंपेयर टू कैनेडा। ठीक है जी, बहुत अच्छी खबर है जी, लेकिन कि जे नशियां ते बचे रहोगे उच्च सिक्ख्या प्राप्त करोगे तद ही उज्जवल भविख सिरज सकोगे ते अपने आप ही समस्यावां घटदियां जाणगियां, भावें असीं सिख होईए ते भावें असीं पंजाबी होईए। एकता करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए ते वध तों वध सिक्ख्या प्राप्त करिए, ज्ञानवान हो के तकनीकी तौर पर असीं माहर व्यक्ति हो के जिंदगी दे विच अपना अग्गा सवार सकते हाँ, तो इस दीन दुनिया दे विच होर मनुखां दे काम भी आ सकते हाँ। पंजाबियां ते सिखां दे या कुछ एक मुश्किलां दे बारे च दुनिया भर दे विच जिथे मर्जी होण गलबात कर रहे सी, ते प्रोग्राम च शामिल हो रहे सी श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली दे प्रिंसीपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। प्रोग्राम च तुसीं बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी SS TV स्टूडियोज़ से बुलाने के लिए। बहुत मेहरबानी। सो इसे ही तरह प्रोग्राम दे विच अज शामिल सन गुरिंदर सिंह जी USA, तुहाडा बहुत धन्यवाद कि तुसीं। थैंक यू जोल साहब, थैंक यू, तुहाडी सानूं माण बख्शा है ते आउण दा। बहुत मेहरबानी जी। चलो जी, फिर इन्हां शब्दों के नाल ही असीं इजाजत लैंदे हां। इस प्रोग्राम नूं करदे हां इत्थे समाप्त। सत श्री अकाल।